बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, पाकिस्तानियों की अक्सरियत समझ रही है, अक्सरियत जो है वो ये समझ रही है कि अगस्त में जो है ये हुकूमत चली जाएगी और अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी। जबकि मीडिया पे भी तकरीबन यही बातें चल रही हैं कि जी अगस्त में जो है ये हुकूमत चली जाएगी या ज्यादा अगस्त में अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ, कुछ इतलात हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो है इलेक्शन जो है वो हुकूमत तो शायद अगस्त में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत अगस्त से आगे नहीं जाएगी ये वाली। लेकिन इलेक्शन अगर अक्टूबर में नहीं होते, अक्टूबर या नवंबर में नहीं होते, 90% इम्कान ये हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में भी नहीं होंगे। तो ये इलेक्शन कब होंगे? तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो हैं ना 2024 में होंगे, बल्कि ये इलेक्शन 2025 में शायद कहीं जाके, ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये तकरीबन 1-1.5 साल चलेगी, ये इस्लाहात करेगी, ये मामलात को चलाएगी, IMF से ये जितने मुहायदे जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं सियासी वजूहात की वजह से वो मुहायदे करेगी और उसके बाद कुछ मामलात को सीधा करके, सियासी इक्तसादी खारजी मामलात को सीधा करके फिर 2025 में कहीं जाके ये इलेक्शन करवाएंगे। ये मेरा ख्याल है, ये ख्याल गलत भी हो सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर आप मेरे ख्याल से मुत्तफिक हैं तो भी, और मुत्तफिक नहीं हैं तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।